सब्सक्राइब कर डेली न्यूज को घंटा घंटा की हर खबर सबसे पहले आप तक। मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व नियुक्तियां रद्द की। सत्ता में बागडोर संभालते हुए शिवराज चौहान ने जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई नियुक्तियां रद्द कर दी हैं, वहीं कुछ अधिकारियों के तबादले में किए गए कुछ स्थल। CAA के समर्थन में भाजपा के तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को SDM प्रिया वर्मा ने बाल खींच दिए हैं। उसके साथ ही चलते रामगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता के साथ भी भाजपा कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार दिया था। निजी निवेदिता को साथ ही नीरज कुमार सिंह ने रामगढ़ कलेक्टर बनाया गया था, जिसके पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने विवाद के कारण चर्चा में रीवा नगर बीमा कमिश्नर सभापति यादव को ट्रांसफर कर दिया गया था। निगम कमिश्नर सभाजीत ने यादव ने राजेंद्र शुक्ला को 5 करोड़ की मानवहानि का नोटिस भेजा था। सभाजीत ने जगह पर अर्पिता को भी रीवा को कमिश्नर होंगे। कमलनाथ ने भी अंतिम क्षणों में संवैधानिक नियुक्तियां को भी शिवराज चौहान को नियुक्त कर दिया था। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष शोभा ओझा, पिछले की तरह अध्यक्ष JP नेतृत्व ने बाल खींचा था अध्यक्ष तिवारी ने। राज्य सरकार के मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी को हटाकर उनकी जगह इकबाल सिंह बैस को मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया था। 1985 में बैट की तरह ICC अफसर भी हो चुके थे। अगर मैं वीडियो कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब।